तव कथामृतं तप्त जीवनं कविभिरीरितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भुरिदा जनाः। हम लोग चर्चा कर रहे थे कि आत्मविश्वास होना चाहिए, आत्मशक्ति पर हमें निर्भर होना चाहिए। पूजनीय साईं बीरेश्वरनाथ जी का युक्ति हमने दोहराया, गुरु कृष्ण वैष्णवेर तीनेर दया होलो अकिर जया दया बिने जीव छाड़े फरेगा। वो प्रसिद्ध युक्ति उन्होंने कहा करते थे, अर्थात चारों फेवरेबल है, भगवान हमें प्रोत्साहित कर रहे हैं, गुरु आश्वासन दे रहे हैं, संत का आशीर्वाद है, लेकिन स्वयं का संयोग नहीं है। एवं आश्चर्य की बात है, बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में भी ऐसी दिखाया जाता है, जैसे कि स्वयं स्वामी विवेकानंद के जीवन में हम देखते हैं, जब वो नरेंद्रनाथ के रूप में अचानक पिताजी के देहांत के बाद चरम आर्थिक संकट में पड़ गए। एवं उनके रिश्तेदार इस अवसर पर उनको ऊपर मामला मुकदमा करके वो घर से निकलने का प्रयास कर रहे थे। किसी प्रक्रिया से कहीं से कुछ कर नहीं पाया। तब याद करिए, एक दिन वो आके स्वयं श्री रामकृष्ण के पास आके उपस्थित हुआ। उन्होंने कहा कि हमारे छोटे छोटे भाई बहन भूखा रहता है, ये हम देख नहीं पाते हैं। पहुँच के बाहर हो गया, तुम कुछ कर दो। क्या करना है? जाके मंदिर में तुम्हारा माँ को बता दो, ताकि हमारा ये समस्या समाधान हो जाए। तो ठाकुर ने बताया, तू जाके बता ना। बता, नहीं नहीं, हम बताने से नहीं होगा, तुम बताने से ही सुनेगा। ठाकुर ने बताया, यही तो बात है, तू माँ को नहीं मानते हैं, तू माँ को पास स्वयं नहीं बोलते, इसलिए नहीं हो रहा है। तू जाके मांग ले तो मिल जाएगा। ब्रेसी क्या? हाँ जरूर जाके देखो ना, इतना ही सहज है। तू ही तो माँ के मानिश ना, माँ के बाल का जी चेन है पेज अभी, इतना ही सहज है हमारे जीवन का समस्या का समाधान। और क्या हुआ हम जानते हैं, स्वामी जी विश्वास करके चले गए, आज देखे स्वयं माँ विराजमान है। यद्य भी वो मांग नहीं सका वो दूसरा बात है, लेकिन काम तो बन गया। ये स्वयं स्वामी विवेकानंद के जीवन में हम देखते हैं। और एक घटना यहाँ पर उल्लेखयोग्य है, उद्बोधन में स्वामी अरूपानंद जी रहा करते थे, छोटा सा लड़का है, बच्चा बाल्यावस्था में आए थे और माँ उनको अपने साथ ही रखा करते थे। यद्यपि पुरुष भक्तों का अलग किया जाता था, लेकिन अरूप मानंद जी तब छोटा सा बालक है, उसको उस समय में उसको अलग नहीं किया, वो माँ का पड़ी सिया के साथ ही उनको माँ के पास विचरण करने का अनुमति था। तो माँ महिला भक्तों के साथ बैठ के भोजन करते थे और भोजन करने के पहले माँ का भात में अन्न में थोड़ा मक्खन दिया दे के, तो
तो माँ की सबको हाथ में थोड़ा थोड़ा गुलाब माँ परिवेशन कर देते हैं। अरूपानंद भी उस समय में बालक था, वो माँ का पद साथ पंगत में कहीं पर बैठ के लेते थे। उनका मन में बहुत ही एक प्रार्थना था, अगर माँ अपने हाथ से हमको अन्न प्रसाद दें तो हमारा कितना आनंद होगा। लेकिन कभी बोला नहीं, मन ही मन उसको रख दिया था। तो गुलाब माँ जो था महिला भक्त जोगिन माँ सब थोड़ा थोड़ा देते थे प्रसाद। तो एक दिन साहस संचय करके माँ को बोला, माँ तुम्हें हमको एक तो निजे हाथे प्रसाद देवे। मैं हाँ बाबा सही से सुना, मगर जरूर तुम आओ हाथ पातो। एक हाथ नहीं दो हाथ पातो, एक हाथ से नहीं पकड़ पाया, इतना दे दिया दोनों हाथ से, किसी हालत से उसको लेके अपने थाली पर रखा। और माँ का दिया हुआ जो अन्न प्रसाद, अपने हाथ से दिया हुआ अन्न प्रसाद वो ले रहे, रो रहे, माँ कितना कृपा। लेकिन उनका अभिमान भी हुआ कि इतना दिन इंतज़ार किया, मन ही मन प्रार्थना किया, लेकिन माँ कभी दिया नहीं, आज ही मिला। तो भोजन के बाद, प्रसाद के बाद वो माँ को पास आके बोला, माँ आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो जानते हैं मैं कितना दिन से कातर होके ये अन्न प्रसाद के लिए इंतज़ार किया, आप इतना दिन तो नहीं दिया। माँ ने उत्तर दिया, बाबा तुम्हें तो कौन चाहो नहीं, आज छे छो आज की दिए छे, ये मैंने बड़ा आस्ट, आज मांगा है आज मिल गया। मैटर इतना ही सहज है, एस कैन इट शैल बी गिवन यू, ईसा मसीह कह रहे हैं, पूछो मांगो मिल जाएगा, ये चाय सिपाह ठाकुर कह रहे हैं। हम लोग साहस करके वो मांगने में हम पीछे पड़ जाते हैं। जैसे स्वामी जी जितना दिन नहीं चाहा नहीं मिला, जैसे चाहा मिल गया। तो हमारे जो ये विचित्र मनोभाव है माया का प्रभाव से, जो जड़ता है इसका, वो सुंदर मनस्तात्विक विश्लेषण किए रविंद्रनाथ ठाकुर एक संगीत के माध्यम से। वो खुलासा बता देते हैं हमारा मन का क्या अवस्था है, हाउ दिस हैपेंस, व्हाई दिस हैपेंस, बड़ा सुंदर ढंग से मनस्तात्विक विश्लेषण किया। वो संगीत में है, जोड़ाए आछी बाधा छड़ाए जीते चाई, छड़ाते गिले बैथा बाजे, मुक्ति चाही बारे तुम्हार काछे जाई, चाहीते गिले मोरी लाजे। बड़ा विचित्र अवस्था है हमारा पास, ये बाधा है, ऑब्स्टेकल है, आई एम नॉट एबल टू कम आउट ऑफ माई प्रेडिकमेंट्स, हमारा रिजर्वेशन है, कोई मतलब नहीं है, संकोच का कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारा जी ये बाधा है, जब हम बाधा अपसारण करने के लिए, जब हम आपके पास जाना चाहता हूँ कोई मुझे रोक देता है, मेरा मुक्ति के लिए आपके पास जब प्रार्थना करने जाता हूँ, मैं प्रार्थना करने में असमर्थ हो जाते हैं, मुझे शर्म लगता है, प्रार्थना करने से मिलेगा लेकिन कर नहीं पाते, ये बड़ा विचित्र परिस्थिति है माया का। इसमें कहते हैं, जानी है तुम्ही ममो हृदय श्रेयतम, एमनो धनोवार नाही जे तुमाशम, তবু যা ভাঙা ছোড়া রয়েছে ঘরে পোড়া ফেলিয়া দিতে পারি না যে।
आप, मैं भली बात ही जानता हूँ कि आप श्रेष्ठ है, आपके बराबर कोई नहीं है, तब भी हमारे घर में जो कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है वो हटा के आपको लाने में मैं असमर्थ हूँ। जानते हैं कूड़ा कचरा आपके बराबर कुछ नहीं है, लेकिन उसको हटा के आपको आने का जगह नहीं दे पा रहा हूँ। तुम्हारे आबोरिया धुलाते ढाकी हिया, मोरन आने राशि राशि, हमें जे प्राण भरी तादेर घृणा करी तबुओ ताई भालोबासी। ये बड़े विचित्र है, जिसको हम घृणा करते हैं, हम जो नहीं चाहते हैं, वो आप पकड़ के बैठे हैं। आपको आवरण करके जो इतना धूल पड़ा हुआ है उसको हटा के आपको हम दर्शन करने में असमर्थ हूँ। ऐतो ही आछे बाकी चोमे छे ऐतो फाँकी, कतो जे विफलता कतो जे ढाका ढाकी, आमारो भालो ताई चाहिते जबे जाई, भय जे आशे मनो माझे। मेरा जो भलाई है आपको पास हम जब जाते हैं, मैं भयभीत हो जाते हैं, नहीं मांग पाते हैं। यही वर्तमान का अवस्था है, ये बड़ा विचित्र परिस्थिति है, जिसके लिए मैं मजबूर हूँ। ये हमारा अवस्था है, तो कैसे ये अवस्था से हम अतिक्रम करके भगवान को हृदय में आनंद कर सकेंगे, इसका समाधान सूत्र और एक रविंद्र संगीत के माध्यम से हम अगले दिन परिवेशन करेंगे। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम तत्सत, श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज सरस्वती पूजा का द्वितीय दिवस है, पूजा अभी अभी शुरुआत होगा, पुष्पांजलि होगी 10:30 बजे, और पुष्पांजलि होगा और उसके बाद निरंजन सुबह, पूजा के साथ बाद ही पुष्पांजलि होगा एवं उसके बाद प्रतिमा निरंजन एवं दधि का मैं वितरण जो लाइव स्ट्रीम दिखाया जाएगा। आप लोग स्वागत है, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।